अभी आम आदमी की थाली में हर समय मौजूद रहने वाला प्याज आज थाली से पूरी तरह से गायब हो चुका है, क्योंकि प्याज की कीमत 20 रुपए से बढ़कर आज 150 रुपए तक पहुंच चुकी है। या यूं कहें कि प्याज के दामों में बेतहाशा बढ़ोतरी के चलते प्याज किचन से पूरी तरह से नदारद है। गांव-गांव, शहर-शहर प्याज की कीमतों के लिए सरकार विरोधी प्रदर्शन भी लगातार हो रहे हैं। विपक्षी पार्टियां सरकार पर पूरी तरह से हमलावर हैं। केंद्र की प्रमुख विपक्षी पार्टियां कांग्रेस ने संसद परिसर में बीजेपी के खिलाफ हल्ला बोल प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि कुछ सप्ताह पहले 20 रुपए प्रति किलो बिकने वाला प्याज 150 रुपए तक कैसे बिक रहा है। केंद्र सरकार की लाख कोशिश के बाद भी प्याज के दामों में बढ़ोतरी लगातार जारी है। कोलकाता, हैदराबाद और कई अन्य शहरों में प्याज लोगों को पूरी तरह से रुला रहा है। प्याज के दाम 150 पार हो चुके हैं। वहीं केंद्र की सरकार के सभी दावे भी अब पूरी तरह से फेल हो चुके हैं। कीमतें बढ़ने के कारणों को देखा जाए तो इसका प्रमुख कारण प्याज की पैदावार में कमी है, क्योंकि पिछले साल महाराष्ट्र में प्याज की कुल उपज 80.47 लाख टन थी और इस साल 65 लाख टन है। प्याज की कुल उपज में करीब 30% हिस्सा महाराष्ट्र का है और महाराष्ट्र में इस बार बेमौसम बारिश ने फसल की पैदावार घटा दी है। वहीं केंद्र की सरकार प्याज के दाम पर लगाम लगाने के लिए प्याज आयात करने की घोषणा भी कर चुकी है, लेकिन अभी प्याज की आयात की खेप देश में पहुंचने में करीब एक सप्ताह का समय चाहिए। प्याज की 1160 टन की पहली खेप 10 दिसंबर को देश में पहुंचेगी। मतलब साफ है कि अभी कुछ दिन और प्याज की कीमतें आम जनता को रुलाएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, नॉर्थ ईस्ट टीवी।